हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस में लाइट चैप्टर का पार्ट 5। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टूल्स टू मेक रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज, और दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम रे डायग्राम डिस्कस करेंगे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंसेज के। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज की। तो इसमें जो सबसे पहला रूल है वो है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एंड इन कॉन्केव लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंसेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस को कंसिडर करें तो उसमें अगर एक ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, लेकिन वो जो फोकस से पास करेगी वो फोकस उस लेंस के दूसरी साइड वाला फोकस होगा। ठीक है, यानी वो इसी तरफ को फोकस से पास नहीं करेगी जिस तरफ से रे ऑफ लाइट आ रही थी, बल्कि दूसरे फोकस से पास करेगी जो लेंस के दूसरी साइड में। तो अगर हम इसका दूसरा केस कंसिडर करें कॉन्केव लेंस का, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ट हो जाती है। तो अगर इस रे ऑफ लाइट को हम पीछे एक्सटेंड करें तो वो ऐसा लगता है जैसे वो रे ऑफ लाइट फोकस से डाइवर्ट हो रही है आगे जाके, या डाइवर्ज हो रही है आगे जाके। तो बात करते हैं अब इसके सेकेंड रूल की। तो जो इसका सेकेंड रूल है उसके अकॉर्डिंग अ रे ऑफ लाइट पासिंग और अपेयरिंग टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी या पास करते हुए नजर आ रही हो, हमें ऐसा लगे कि वो पास कर रही है, तो वो हमेशा रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो एग्जांपल के लिए कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक, तो अब अगर हम इसे कॉनकेव लेंस के लिए देखें तो ये रे ऑफ लाइट हमें ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास कर रही होगी अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें। तो अगर ऐसा दिख रहा है हमें तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो जो नेक्स्ट रूल है जो हमें ध्यान रखना है रे डायग्राम बनाने के लिए वो है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डिविएशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो बिना डिविएट हुए उस सीधे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस में देखें तो एक रे ऑफ लाइट जो पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधा पास कर रही है। ठीक, इसी टाइप से अगर हम कॉन्केव लेंस के लिए देखें तो उसमें भी ऐसा ही होगा, जब भी एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो बिना डिविएट हुए सीधा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर जाएगी। तो अब बात करते हैं हम रे डायग्राम्स फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज की। तो इसमें सबसे पहला जो केस होता है वो होता है एट इंफिनिटी, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो इंफिनिटी पे रखा होगा। तो हमने यहाँ पे जो रे डायग्राम बनाया उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पे जहां से रे ऑफ लाइट पास करते हुए आ रही है और वो इस लेंस को टच कर रही है। ठीक, और यहां पे टच करने के बाद वो रिफ्रैक्ट होके F2 पे मीट कर रही है। ठीक, तो F2 पे जहां पे वो मीट कर रही है वहां पे हमारी इमेज बनेगी। ठीक, तो आप इन केसेस में ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जितना पीछे रखा होगा यानी इंफिनिटी पे रखा है जैसे इस केस में, तो इमेज उतनी आगे बन रही है। जितना हम उस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से उठा के थोड़ा और आगे लेके आते रहेंगे इमेज जो है वो उतना पीछे बनेगी, यानी जो इमेज का साइज होगा वो बढ़ता चला जाएगा जब हम ऑब्जेक्ट को उठा के लेंस के और करीब लेकर आएंगे। तो इस केस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज जो बनी वो हमारी फोकस पे बनी जो है F2, और साइज ऑफ इमेज जो है वो दिख रहा है आपको हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है, और नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। ठीक, तो बिल्कुल मिरर का उल्टा केस है। मिरर के केस में जब बिहाइंड द मिरर बनती थी इमेज तो वो वर्चुअल और एरिक बनती थी, यहां पे जब बिहाइंड द लेंस इमेज बन रही है तो वो रियल और इन्वर्टेड है। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे केस की जो है बियॉन्ड 2F1, यानी अब ऑब्जेक्ट को उठा के हम इन्फिनिटी से 2F1 के जस्ट पीछे ले आए। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट निकल रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करती है दूसरे साइड।
तो ये यहां से F2 से पास करेगी रे ऑफ लाइट, और इसमें जो दूसरी रे ऑफ लाइट है हमारी वो पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे ऑफ लाइट पास करती है वो अनडिविएटेड पास करती है, वो डिविएट नहीं होगी, तो ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसे का ऐसे ही पास कर जाएगी। तो हमें अब ये दिख रहा है कि ये दोनों रे ऑफ लाइट जाके कहीं F2 और 2F2 के बीच में मीट कर रहे हैं, तो हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी। तो अब बात करें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट रखा था हमने 2F1 पे, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो वो F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो जो ओरिजिनल साइज था ऑब्जेक्ट का उससे छोटा इमेज बन रहा है, तो वो डिमिनिश हो गया साइज। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक। तो अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट केस की जो है एट 2F1, ठीक है। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा है, ठीक। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट निकल रही है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो अनडिविएटेड पास हो जाएगी। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट हमें दिख रहा है 2F2 पे मीट कर रहे हैं, तो इसमें जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी वो 2F1 पे थी, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था वो 2F1 पे रखा हुआ था, पोजीशन ऑफ इमेज जो बन रही है वो 2F2 पे बन रही है उस तरफ दूसरे वाले फोकस पे, साइज ऑफ इमेज जो दिख रहा है हमें वो सेम साइज दिख रहा है, तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज का इमेज भी है, और नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वो रियल और इन्वर्टेड है, ठीक। तो बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट केस की जो है बिटवीन F1 एंड 2F1, यानी अब हम ऑब्जेक्ट को उठा के 2F1 और F1 के बीच में रख रहे हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है F1 और 2F1 के बीच में जो हमारे पास AB, और यहां से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल ट्रेवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो वो दूसरी तरफ को फोकस से पास करेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो अनडिविएटेड पास करेगी, और ये दोनों रे ऑफ लाइट जाके 2F2 के पीछे जाके मिल रहे हैं, ठीक। तो इस केस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन F1 एंड 2F1, पोजीशन ऑफ इमेज जो बन रही है वो बियॉन्ड 2F2 बन रही है, तो ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गई बियॉन्ड 2F2, साइज ऑफ इमेज हमें दिख रहा है जो साइज था ऑब्जेक्ट का उससे बड़ा इमेज का साइज है, तो साइज ऑफ इमेज हो गया इनलार्ज्ड, और नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वो अब भी रियल और इन्वर्टेड होगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट केस की जो है एट F1, तो हमने अब ऑब्जेक्ट को रखा है F1 पे, तो यहाँ पे AB एक ऑब्जेक्ट है जो हमने F1 पे रखा है, यहां से उससे रे ऑफ लाइट निकल रही है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास करेगी दूसरी साइड में, और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो अनडिविएटेड पास करेगी। अब हमें दिख रहा है ये दोनों रे ऑफ लाइट कहीं मीट नहीं कर रही है, यानी ये दोनों की दोनों पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब जो इमेज है वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके बन रही है। तो अगर अब हम देखें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था इस केस में एट F1, पोजीशन ऑफ इमेज जो है हमें दिख रहा है वो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है कहाँ बन रही है, तो वो जाके बनेगी एट इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है और जो इमेज इन्फिनिटी में बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, तो वो हाईली इनलार्ज होगी। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो अब भी जो इमेज है वो लेंस के पीछे वाली साइड में बन रही है, तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी। तो बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट केस की, जब ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन F1 एंड O, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा है ये रहा AB, जिसको हमने F1 और O के बीच में रखा है, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल ट्रेवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास करेगी, और दूसरी वाली रे ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे जो अनडिविएटेड पास करेगी। अब हमें दिख रहा है कि ये रे ऑफ लाइट इधर को डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ तो ये मीट करने से रही, तो अब हम इन दोनों रे ऑफ लाइट को आगे एक्सटेंड करेंगे उसी साइड में जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो हमें दिख रहा है कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है ये उसी साइड में मीट कर रही है और थोड़ा सा पीछे जाके मीट कर रही है, यानी 2F1 के पीछे जाके ये मीट कर रही है, तो इमेज बनेगी 2F1 के पीछे। तो क्योंकि ये सेम साइड ऑफ लेंस बन रही है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक। तो अगर आप पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर है, पोजीशन ऑफ इमेज देखें तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस है और बिहाइंड 2F1 बन रही है। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो इनलार्ज है, दिख ही रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो छोटा था और इमेज जो बन रही है वो बड़ी बन रही है, तो इसलिए ये हो गई इनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वो है वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है तो इसलिए ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो अब बात करते हैं रे डायग्राम्स फॉर्म बाय कॉनकेव लेंसेस की, तो जो इसमें सबसे पहला केस होता है वो होता है एट इन्फिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो। तो यहाँ पे इस रे डायग्राम में हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इन्फिनिटी पे रखा है और इन्फिनिटी से उससे रे ऑफ लाइट निकल के आ रही है, तो ये रे ऑफ लाइट जो उस ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसका मतलब अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये
डिविएट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करनी चाहिए। तो लेकिन क्या होता है कि ये रे ऑफ लाइट यहां से डिविएट हो जाती है या रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो अगर हम इस रे ऑफ लाइट को पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो ये फोकस से पास करेगी। सिमिलरली अगर हम दूसरी रे ऑफ लाइट भी देखें यहां से, तो वो भी पैरेलल जा रही और यहां से ये रिफ्रैक्ट हो रही। तो अगर अब हम इसको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो ये फोकस से पास होते हुए नजर आएगी। ठीक, तो इस केस में जो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एट इंफिनिटी है। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो वो एट फोकस F1 बन रहा है और उसी साइड बन रहा है जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं इसको, तो बहुत छोटी सी इमेज बन रही है तो इसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो क्योंकि जो इमेज है वो उसी साइड बन रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसलिए ये वर्चुअल और इरिप्ट होगी। तो बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट केस की, जो है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो यानी अब जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो इन्फिनिटी से और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं भी बीच में रखा है। ठीक, तो हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इन्फिनिटी से आगे और ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ कहीं पे भी रखा हुआ है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया, हमने ये F1 के पीछे रखा हुआ है। तो ए भी एक ऑब्जेक्ट है जो F1 के पीछे रखा है। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करनी चाहिए। तो इसको अगर हम पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो F1 से पास करेगा, और एक रे ऑफ लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो अनडिविएटेड ही पास करेगी। जहां पे ये दोनों रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां पे हमारी इमेज बन रही होगी। तो हमारी जो इमेज बन रही है वो F1 और O के बीच में कहीं बन रही है, यानी उसी साइड में बन रही है लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर अब हम देखें तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O है, यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो वो बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर O बन रही है, और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो वो डिमिनिश है क्योंकि हमें दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बड़ा है और इमेज का साइज जो है वो छोटा है। बात करें नेचर ऑफ इमेज की, तो क्योंकि जो इमेज है वो लेंस के उसी डायरेक्शन में बन रही है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसलिए वो वर्चुअल और इरिक्ट होगी। तो आई होप आज हमने जितने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।